हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैं आपको नाप बता देती हूँ। मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। तो ये मेरे चार पीस हैं जो 5-5 इंच के हैं। ये भी मेरे चार पीस हैं जो 5-5 इंच के हैं। और उसके बाद ये मेरे 2.5-2.5 इंच के पीस हैं जो 12 हैं। और ये भी मेरे 2.5-2.5 इंच के पीस हैं जो 12 हैं। और ये मेरे 4.5 इंच का पीस है जो 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और 4.5 इंच की इसकी लंबाई है। तो ये पीस हो गए फ्रेंड मेरे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो मेरे चार 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 पीस हैं, ये आपस में हम इनको जॉइंट करेंगे। तो इनको हम फैला लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम इसमें बीच में लाइन लगाएंगे। और लाइन लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको साइड साइड में से सिलेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। ऐसे ही हम उसको सिलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने अपने पीस लगा लिए। तो अब हम इस पर लाइन लगा लेते हैं। तो ये मैंने स्केल ले लिया और हम लाइन लगाते हैं फ्रेंड्स। तो कोने से कोने तक, ये इस तरीके से। और ये हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे जहाँ हमें सिलना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स। तो हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है। तो हमारे ये चार पीस तैयार हो गए। इसको हम इस तरीके से सिलेंगे फ्रेंड्स। और हम अब इसको लेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, दो दो पीस करके लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से दो पीस इसके और दो पीस इसके, इस तरीके से। तो एक पीस हमारा ये हो गया। ऐसे ही हम तीन पीस और तैयार कर लेते हैं। तो मैं तैयार कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन भी तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हमारा एक डिज़ाइन और रह रहा है। या चार पीस हमारे ये बच रहे हैं और चार पीस हमारे ये बचे हुए हैं। तो चार पीस ये, तो इसका भी हमें कैसा डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स। हम इस पीस को ऐसे रखेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ हमें इस पीस का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से एक पीस तैयार करना है। और दूसरा, तो पहले हम फ्रेंड्स ये सिल लेते हैं और ये वाले सिल लेते हैं, उसके बाद हम आगे का सिलना बताएंगे। तो हमें इसके ऐसे सिलना फ्रेंड्स कि यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। सेम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो ये हो गया। जब हमारे ये दो पीस सिल जाएंगे, तब हम इनको आपस में रख के ऐसे सिलेंगे, जॉइंट से जॉइंट को मिला के। तो हम पहले सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ऐसे सिल गया है। अब हमें इसको इस पर रखना है, यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है। और ये जो हमारी ये जो पीस है, एक तरफ को इसको इधर करना है और इसको इधर करना है, ताकि हमारा ये पीस यहाँ से हैवी ना हो जाए। और फिर उसके बाद हमें एक पिन पिनअप की मदद से यहाँ पिन लगा लेनी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से सिल देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिल गया है। और ऐसे ही हमने ये बाकी के भी पीस सिल लिए हैं, ये इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। और ये जो हमारे पीस थे जो मैंने लाइन लगाने बताए थे, ये भी हमारे हो गए फ्रेंड्स। अब हम इसको कट करेंगे। पहले मैं थोड़ा एक्स्ट्रा उसको काट लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा। हम इसको यहाँ से बीच में से कट करेंगे, फिर ये हमारे डबल शेड के पीस हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इस तरीके से होंगे फ्रेंड्स। तो मैं बाकी के भी सारे खोल लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पीसों को खोल लिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो इसको हम बाद में कट करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा होगा। पहले हम इन पीसों को लगा लेते हैं। तो ये हो गए हमारे फ्रेंड्स, इनको हम थोड़ा अलग करते हैं। अब हमारा इस चीज़ का डिज़ाइन होगा फ्रेंड्स। तो हमारा एक पीस ये लग गया, तो दूसरा पीस हमें इस तरीके से लगाना है फ्रेंड्स, इस तरीके से। और फिर हमारा ये आ जाएगा। ऐसे ही हमें ये लगाना है। ये दो पीस हो गए हमारे, ये इस तरफ और ये इस तरफ, इस तरीके से फ्रेंड्स, कि हमारे ये चारों कोने पे आए ये डिज़ाइन। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पीस को यहाँ सिलेंगे। सिलने के बाद जब ये हमारा सिल जाएगा फ्रेंड्स, तब हम इस पीस को यहाँ रखकर सिलेंगे। तो पहले हम ये सिल लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सिल गया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो हम इसको भी सिल के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाले पीस भी हम सिल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये वाले पीस भी तैयार हो गए, ये भी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको नापेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे 4.5 इंच के आने चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा 4.5 इंच का ये तैयार पीस है। तो हमें सारे पीस, छोटा बड़ा थोड़ा सा भी फ़र्क हो तो आप फिर भी उसको कट कर लीजिए। तो हम ये सारे पीस 4.5-4 इंच के नाप लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन सेट करना बताऊँगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पीस अपने 4.5-4 इंच के बराबर से नाप लिए हैं और जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने कट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो मैं इन सब का डिज़ाइन सेट करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक लाइन करके सिलेंगे। तो हम यहाँ एक लाइन लिए हो गई, एक ये और एक ये और एक ये, तो हमारी 4 लाइन हो गई। तो 4 लाइन में हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलेंगे, उसके बाद पलटेंगे, फिर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर हम इसको रखेंगे, यहाँ सिलेंगे, पलट देंगे, सेम हम इसको करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ रख के सिलेंगे और पलट देंगे। तो हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं पहले ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, फिर हम बाकी की लाइनें सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे ही हम बाकी की लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इनको आपस में रख के सिलेंगे। जब हम ये फ्रेंड्स सिल रहे थे तो यहाँ भी हमने पिनअप किया था ताकि हमारे जोड़ से जोड़ मिल सके। तो आप भी इसको यहाँ से सिलने से पहले पिनअप जरूर कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ हमारे जोड़ हैं जो, हम यहाँ पिनअप करेंगे और यहाँ से हम इसको सिल देंगे। सेम हम ये करेंगे फ्रेंड्स और सेम हम ये करेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से पलटेंगे और पिनअप से, यहाँ जोड़ से पिनअप करेंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो जब हमारे ये दोनों पीस हो जाएंगे फ्रेंड, तब हम बीच में सिलेंगे। तो पहले हम ये दो पीस सिल लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको बीच में से सिल के दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पिनअप लगानी है। ये पिन लग गई फ्रेंड्स, अब हम सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस और ये पीस दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीस को इस पर रखेंगे और ये जो हमारे जॉइंट से जॉइंट है इसको हमें मिलाकर ही सिलना है ताकि हमारे बिल्कुल परफेक्ट शेप आए। तो हम इसको पलट रहे हैं फ्रेंड्स और ये जो हमारे जोड़, हम इस पर पिनअप करेंगे और फिर इसको यहाँ से सिलेंगे फ्रेंड। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन ये तैयार हो गया है। तो देखिए कितना सफाई से, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप इस डिज़ाइन का कुशन कवर बनाइए, या आगे से फ्रंट कवर बनेगा फ्रेंड, और पीछे से आप ऐसा ही इसी मैच का कपड़ा लगाइए। तो कुशन कवर बनाइए, या फिर आप किसी और चीज़ में यूज करना चाहते हैं तो कुछ और यूज कीजिए। तो ऐसे ही इन खूबसूरत डिज़ाइन को कुछ ना कुछ यूज कीजिए। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।